नमस्कार जोहार, उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। आज के अंक में हम बातें करेंगे डायन प्रथा एक भ्रांति। जी हां दोस्तों, हमारे झारखंड के जनजातीय बहुल गांव में विभिन्न प्रकार की भ्रांति एवं कुरीतियां विद्यमान हैं। इसमें सबसे प्रमुख है बाल तस्करी एवं किसी भी महिला को डायन करार कर दिया जाना। इसका मुख्य कारण है अशिक्षा एवं गरीबी। जी हाँ, अगर इस कुरीति की पृष्ठभूमि को देखा जाए तो इसका जड़ उन महिलाओं को डायन करार दिया जाता है जिनके सर से परिवार का साया उठ चुका होता है, साथ ही साथ जो गरीबी रेखा से झुलस रहे होते हैं। हाल ही के कुछ वर्षों में हमारे प्रशासन एवं महिलाओं का संगठन ने कमर कस लिया है। अब किसी भी गांव में किसी भी महिला को अगर डायन शब्द से संबोधित किया जा रहा है तो उन्हें जुर्माना एवं सामाजिक बहिष्कार जैसी सजा दी जा रही है। स्थानीय स्तर पर भी पुलिस ऐसे केसों को ले रहे हैं और उन्हें जेल भेज रहे हैं। हमारी सरकार ने देखा है कि जिन महिलाओं को डायन कहा जा रहा है उनकी मानसिक स्थिति काफी खराब हो जाती है, जिस कारण उन्हें काउंसलिंग भी दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने डायन उन्मूलन कार्यक्रम में जागरूकता अभियान चलाया है जिसमें इन्हें रोजगार दी जा रही है, साथ ही साथ आजीवन इनकी अच्छी जीवन व्यापन हो पाए इसके लिए संसाधनों का भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है। आइए, इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है सिमडेगा जिला का, तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह सिमडेगा जिला में बहुत अधिक महिलाओं की संख्या थी डायन कहलाने की, जो अब घटकर इक्का दुक्का रह गया है। तो आइए किसान भाई बहनों विस्तार से देखते हैं। छोटे छोटे छुआ दीदी भैया नाटक देखे कियावा, नाना नानी दादा दादी मिलके सबके बुलावा है। है छोटे छोटे छुआ दीदी भैया नाटक देखे कियावा, नाना नानी दादा दादी मिलके सबके बुलावा। झारखंड अपनी नैसर्गिक खूबसूरती के लिए विख्यात है, परंतु यहाँ की सामाजिक कुरीतियाँ इसकी खूबसूरती में एक बदनुमा दाग है। यहाँ का समाज कुछ इस तरह का है कि ये यहाँ की महिलाओं को एक ओर तो देवी का दर्जा देता है तो वहीं दूसरी ओर इन्हें डायन जैसी संज्ञा देने से भी नहीं चूकता है। डायन प्रथा दरअसल एक कुप्रथा है, एक अंधविश्वास है जिसमें ग्रामीण औरतों पर तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल कर किसी के शिशुओं को तो किसी के पति को मारने का आरोप लगाया जाता है, फिर उसे समाज द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। कभी उसके बाल मुड़वाकर उन्हें पीटा जाता है तो कभी निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया जाता है। कहीं कहीं तो नौबत यहां तक आ जाती है कि भीड़ द्वारा उस बेगुनाह की हत्या तक कर दी जाती है। डायन प्रथा मुख्य रूप से राजस्थान में देखने को मिलती थी, परंतु इस कुप्रथा ने गैर कानूनी होने के बावजूद अपनी जड़ें असम, बंगाल तथा झारखंड में भी फैला रखी हैं। झारखंड प्रदेश में देखा गया है कि यहाँ की महिलाओं को उसकी संपत्ति हड़पने के विचार से उसे डायन करार दिया जाता है, जिसकी पुष्टि ओझा या गुनिया करती है। यहाँ की महिलाओं को डायन बताने के पीछे और भी कई कारण हैं: भूमि और संपत्ति विवाद, अंधविश्वास, अशिक्षा, जागरूकता एवं जानकारी का अभाव, यौन शोषण, भूत प्रेत तथा ओझा गुणी पर विश्वास आदि। ऐसा नहीं है कि डायन प्रथा के खिलाफ कोई कानून नहीं है,
सन 1999 में अविभाजित बिहार में पहली बार डायन प्रथा के खिलाफ कानून बनाया गया था। अलग झारखंड होने के बाद इसी कानून को यहाँ भी अपनाया गया है। इस कानून के डर से ऐसी घटनाओं में कमी तो आ रही है, परंतु इसका खात्मा अभी तक नहीं हो पाया है। सिमडेगा जिला के पहले परिदृश्य को हम लोग एक बार समझ लें अच्छे से कि एजुकेशनल एंगल से जो नए जनरेशन हैं वो अच्छी पढ़ाई लिखाई उनको मिल रही है, दे आर वेल एजुकेटेड। एट द सेम टाइम अगर हम लोग देखें कि जो उनके पहले के जनरेशन हैं अभी भी उनके बीच इस तरह की भावनाएं ये चल रही हैं कि सामाजिक कुरीति कहें या एक बिहेवियर कहें, उस सोसाइटी के एक बिहेवियर है जिस कारण से न सिर्फ डायन प्रथा कहा जाए तो जैसे अगर सांप के काटने पर भी अगर हम लोग प्रशासन के कई कोशिशों के बावजूद लोग जो हैं पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं कि शरीर अशुद्ध हो जाएगा या इस तरह की चीज़ों पर, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये सभी बिंदु, इसमें डायन प्रथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये सभी बिंदु अपने आप में सिमडेगा के लिए एक चैलेंज है, प्रशासन के लिए चैलेंज है, हमारे इस पूरे सोसाइटी के लिए चैलेंज है, क्योंकि यह न सिर्फ एक महिला के कॉन्फिडेंस गरिमा और उनके सम्मान पर ठेस पहुंचाता है बल्कि पूरे समाज में एक गलत संदेश देता है। और अगर इसे बढ़ावा किसी प्रकार से मिल गया और अगर किसी ने किया है और अगर एक्शन नहीं होता है तो इसका एक रिपल इफेक्ट होता है, या हम लोग कहते हैं उसको कि ये सिर्फ बढ़ते ही जाता है कि यहाँ पर हुआ कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इस तरह से हम लोग भी कर सकते हैं। इसके दूसरे पहलू पर देखें तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं जमीन संबंधित समस्या भी होती है, जमीन संबंधित समस्या से भी डायन प्रथा जुड़ी हुई है। अगर किसी अंतिम महिला है जिनके नाम पर कोई जमीन बची हुई है और उस पर हथियाने का कोई गुंजाइश है तो लोग उसको भी डायन घोषित करके भैयादी लोग में ही जो है वो इस पर स्टडी किए हैं जो हम लोग पाए हैं कि इस प्रकार से चीज़ होता है। तो अतः हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जमीन संबंधित मामलों पर भी उस कड़ाई से उसको डील करें कि ये पहलू वहाँ पर भी शांत हो जाए। हाल के दिनों में पूरे प्रशासनिक टीम ने कोलेबीरा में एक घटना जब पता चला था विद इन 24 आवर्स हम लोगों ने उसको पकड़ा, हमारी पुलिस की टीम ने बहुत शानदार काम किया और सभी के सभी 9 अभियुक्तों को हम लोगों ने उसके भेज दिया है, जेल भी चले गए हैं, उनकी बेल भी रिजेक्ट हो गई है, तो पूरे कड़ाई से हम लोगों ने डील किया है। झारखंड राज्य के सिमडेगा जिले में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां महिलाओं को डायन बताकर गांव वालों द्वारा प्रताड़ित किया गया है। यहां की एक महिला पर ये आरोप लगाया गया कि उसने अपनी तंत्र विद्या से पड़ोसन के पति को मार दिया है, फिर गांव वालों ने उस महिला का सामाजिक बहिष्कार कर उसे गांव से बाहर कर दिया। प्रशासन की दखल के बाद गांव वालों ने महिला पर मेल मिलाप का दबाव बनाना शुरू कर दिया और बैठक कर 5,000 रुपये का जुर्माना भरने को कहा है। स्वयं सहायता समूह और प्रशासन की मदद के बावजूद ये महिला आज भी गांव के बाहर रह रही है। झारखंड के गांव में एक शब्द बहुत प्रचलित है जो महिलाओं के लिए प्रयोग होता है उनको प्रताड़ित करने के लिए, जहाँ पर कि उनका किसी भी तरह का कोई किरदार नहीं होता लेकिन समाज उनको तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, अपमानित करता है, और वह शब्द है डायन। और इस शब्द के पीछे बहुत सारे भाव हैं, जो पीड़ित है उनका अपना मनोभाव है, जो उन पर आरोप लगाते हैं उनका अपना भाव है, और इसको लेकर के अब सरकार भी जो है सचेत है, लोकल लेवल पर जो महिलाओं का संगठन है वह भी काम कर रहा है कि कैसे जो पीड़ित हैं उनको हम मदद कर पाएँ। और हमारे साथ में अभी एक पीड़ित ही हैं, इनसे जानेंगे कि इनकी क्या कहानी थी। दीदी क्या कहानी रहे? क्या कहानी रही बाबू, मोर भतीजा को बीमार रहे, बचपन कर बीमार रहे, बचपन कर बीमार रहे, सब दिन मोर बेटा आना लगा करत रहे, मोर बेटा गाड़ी किन है कन सेकेंड हैंड के कोना लेके, गरीब आदमी रही हमें राही भी हले, सब दिन आना लगा करत रहे, 8 दिन 15 दिन महीना दिने रसल लखल ओकर गतर में खूने नहीं रहे, जब खून चढ़ात रहे सुदुई पड़त रहे तब ओकर शरीर का स्वस्थ रहत रहे कटी, उसने होते होते हॉस्पिटल में मर गेलक मोर भतीजा को, मर गेलक ओकर बाद
माटी उटी दल सब कर लें कर कमान बीतलक कर कमान बीत लेलक से कर पाछे दोकान कर रहें तो दोकान में तो ढुकरी ताला लगाल में कही के कहलें मके मैं कहलूँ मैं नहीं ढुकूँ कारण ढुकूँ ताला लगा इल्जाम लगा लें हाँ तो है शुरुआत होते दोकान ढुकरी और बिले बन के भाग लेते हैं मैं कहल मैं जाबे नहीं कर रहा तो है बहना भेटल बिले बन के आ रही यहाँ अच्छा तो के बोलो हाँ मके कहते हैं बिले बन के आ रही काहे ढुक रही तखन मैं कह नहीं ढुक हूँ जबरदस्त घरे आए रहो से के बोलाए लगल और दो तीन जन के धर के लगल तेले गोटा हमने अपन जे अपन पीछे रहें जे मोर दुश्मन बहन है अखन से कर पीछे रहें से जितना जुमल हारे है भेलवा पोतई में बैठा लें है भेलवा कर काट तेले का कर थे ते डाइन है कि नहीं कहन खन मैं नखो डाइन हले डाइन रहते हल मैं भेलवा पोते में बैठबो नहीं करता मैं कौन में के नहीं जानन तले मोर अत में कुछ नखे का के बताम झूठ के इल्जाम लगा ले हां से खने जबरदस्त केस मन के काट लई गोटा टोली बुला लई अच्छा तोर दीदी केस काट देले गांव वाले में हां अच्छा केस फैसनी करम जे करे कहे कर लेवा मोर माय के मार के फेंक बाहर फेंक देवा तो लांगटी बांधरी करके तो छोड़ा ब्लाउज हर साया भर में रहो साड़ी उड़े सब टाइन के ले ले लें खींच के पूरा बेइज्जत कर ले बेइज्जत तो कर बाद मोर बेटा के देख लें सेखन छोड़ दे लें जा अदे तोर बेटा लग जाबे ऐसे ही यहाँ की दूसरी महिला पर भी डायन का आरोप लगाकर उनके बाल काटे गए और उन्हें कम कपड़ों में गांव के बीच बांधा गया। बाद में उनके बेटे ने उनका बचाव किया और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच पाई। अभी हमारे साथ में एक और पीड़िता है जिन्होंने कष्ट को झेला है, इनकी कहानी भी जानते हैं। दीदी आपका क्या घटना था, कैसे हुआ? मेरे को एक लेडीज ना 3-4 साल से बोलने लगे कि तुम डाइन हो बोलकर ऐसे बोलने लगे। उसके बाद में ना वहाँ के एक अंकल जी ख़त्म हो गए तो दूसरे लेडीज को बोले कि तुम्हारे आदमी को ना इसी ने खाया है, ये डाइन है, ऐसे बोलकर ना ये बोलने लगे। फिर उस लेडीज भी ना दरवाजा के पास आके ना तुम डाइन मेरे आदमी को खाया इस तरीके से बोलने लगे। फिर उसके बाद में इसने मीटिंग करवा लिए, मीटिंग में ना 4 नवंबर को इसने मीटिंग किए और पूरे गांव वालों को ना एक तरफ कर लिया उस लेडीज ने कि इस लेडीज ना डाइन है और इस आदमी को खाया है ऐसे ऐसे बोलकर वो बोल कर ना पूरे गांव के लोगों को ना एक तरफ कर लिया। उसको 4 नवंबर को उसने मीटिंग में बोलने लगे कि तुम डाइन हो ऐसे ऐसे बोलने लगे। फिर उसके बाद में ना मीटिंग कर लिए, उसके बाद भी दरवाजा के पास आके बोलने लगे कि तुम डाइन हो ऐसे कहे। फिर मुझे अलग कर दिया गया गांव से ना, एक तरफ कर दिया, शादी भी ऐसे में आना जाना सर बंद करा दिए। उसके बाद में ये ना फिर से ये ऐसे बोलने के बाद दरवाजा के पास भी ऐसे जा के बोलने लगे। फिर मैंने ना ये दीदी लोग से सलाह लिया, मैंने ये जो संगठन दीदी लोग से कि मुझे ऐसे ऐसे बोलते हैं बोलकर। फिर दीदी लोग ना मेरे साथ इन्होंने थाना में ना मेरे साथ आना जाना इन्होंने किया, थाना में कंप्लेंट किए। फिर जब करने के बाद में ना ये ना जबरदस्ती ना जाके ना गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेती है और मेल मिलाप के लिए ना ये जबरदस्ती करती है। आपको बोला? हाँ मेरे को जबरदस्ती करती है, दरवाजा के पास आंगन में जा के बोलते अब मेल मिलाप करो बोलकर। मतलब केस होने के बाद और दीदी लोग आना जाने करने के बाद दीदी लोग मेरी मदद किए ये, उसके बाद ये जबरदस्ती मेरे को बोलता है कि मेल मिलाप करो और अभी तक मेरे को जबरदस्ती करती है कि तुम मेल मिलाप करो। आप भी समूह से जुड़ी हैं अभी? हाँ जुड़ी हुई अभी तो। जुड़ने के बाद कुछ धीरे धीरे फायदा दिखता है कि हाँ होगा या हो रहा है? हाँ मतलब अभी नहीं बोल रहे हैं और मेल मिलाप के लिए मतलब जबरदस्ती है
5000 रुपया दो और गांव वालों से मिलो। नहीं, ये तो अभी नहीं बोले हैं है। अभी मतलब दो बार पहले बोल रहे थे पर अभी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जबरदस्ती मतलब मेल मिलाप के लिए गांव के वार्ड लोग बड़े लोग हैं ना, उनसे मतलब जबरदस्ती मेल मिलाप के लिए दरवाजा के पास जाते हैं कि मेल मिलाप करो। लेकिन इस डायन प्रथा ने कष्ट दिया आपको? हाँ, मतलब बहुत दुख हुआ क्योंकि हमारे मायके घर में ना कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो इस तरीके से, और ये लोग ना मुझे गांव से अलग करके इस तरीके से बोले, ये मतलब बहुत मुझे दुख है इस बात के पीछे। ऐसा नहीं है कि इस कुप्रथा के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। JSLPS संस्था ने गांव में महिलाओं का समूह बनाकर इन्हें इस लड़ाई में शामिल किया है। आज के दिनों में जहां कहीं भी ऐसी घटना घटती है तो समूह की महिलाएं पीड़िता के साथ खड़ी होती हैं। वे उसकी समस्याओं का समाधान करती हैं और जरूरत पड़ने पर प्रशासनिक सहयोग भी देती हैं। सबसे पहले तो हम लोग सर जो भी मेरा टीम है उसको हम लोग लेके गांव निकलते हैं, और निकलने के बाद वहां पे हम लोग का जो संगठन है उनके द्वारा गांव में एक गांव में दो दिन रहते हैं, और रहने के बाद वहां पे फिर हम लोग दीदी लोग से मिलते हैं, वहां के मुखिया से मिलते हैं, वार्ड से मिलते हैं, डाकुआ लोग से मिलते हैं और एक बैठक करते हैं। बैठक करने के बाद वहां उन लोगों को मतलब हम लोग आने का जो भी उद्देश्य है उसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं और पूछा मतलब पूछते हैं सभी से कि हम लोग किस ऐसा जगह में जिससे कि हम लोग को वैसा कोई जगह मिले जहाँ कि हम लोग नाटक दिखा सकें और दूर दूर टोले से भी लोग इकट्ठा हो पाए। तो वैसे जगह में हम लोग नुक्कड़ नाटक दिखाते हैं और नारा के माध्यम से और आपका गाना के माध्यम से जो कि जागरूकता अभियान को लेकर एक संदेश गाना गाकर हम लोग लोगों को इकट्ठा करके और डेंगू प्रथा पर नाटक दिखाते हैं, जिसमें उसमें सबका अलग अलग रोल रहता है। जैसे उसमें एक भगत भी रहता है, पीड़िता भी रहती है जिनको डेंगू बोल के प्रताड़ित किया जाता है, उसमें एक डॉक्टर भी रहते हैं, उसमें एक आपका प्रशासन भी रहते हैं कि हम लोग शुरू से जैसे कि शुरुआत में जैसे जिनको डैन बोला जाता है वो दीदी को किस तरह से और किन किन चीज़ों के लिए प्रताड़ित किया गया है, जैसे जगह जमीन अकेली पीड़िता है जिनका मतलब आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो वैसे लोग को टारगेट करके उनको डैन बोला जाता है, और डैन बोला जाता है तो जैसे लोग उनको डैन बोल के उनके गाँव घर में प्रताड़ित करते हैं, मारपीट करते हैं, मारने का जो धमकी देते हैं और उनको एक मजबूर कर देते हैं कि ये डाइन है तो आपका मतलब भगत के पास दिखाना होगा, आपको साबित करना होगा कि आप डाइन नहीं हैं। तो फिर वो दीदी मजबूर हो जाती है और वो भगत के पास जाती है, जाने के बाद फिर भगत उसको फिर दिशा बताता है कि मतलब ये दीदी उनको नहीं बताता है मुंह में, लेकिन हाँ ये दीदी डाइन है, और उनको प्रताड़ित किया जाता है, और प्रताड़ित करने के बाद फिर मारने उड़ने का जब धमकी दिया जाता है तो वैसे में हम लोग इसी तरह से हम लोग नाटक पेश करके और दीदी को हम लोग जैसे कि भीओ की दीदी हैं, समूह की दीदी हैं या तो आप आंगनबाड़ी की दीदी हैं, वैसे लोग से हम लोग पूछ के जानकारी लेते हैं कि अगर जिनको डैन बोल के प्रताड़ित किया जाता है किनको किया जाता है, तो हम लोग पीड़िता दीदी से पता चल जाता है कि हाँ वो दीदी को प्रताड़ित किया जाता है तो उनके पास पहुँचते हैं। और बहुत ऐसा जगह में होता है सर कि खुद पीड़िता भी वहीं पे जानकारी दे देती है कि हमको डैन बोलता है और ये बोलता है, ये मेरे घर परिवार से है, मेरा जगह जमीन को छीनने के लिए हमको डैन बोल रहा है और गांव से हमको मारने पीटने का धमकी देता है, निकालने का धमकी देता है, और सभी से मिल के हमको ये कर रहा है कि किसी तरह से ये निकल जाए और हम इनका जगह जमीन को छीन लें, इस तरह से भी होता है। और उसके बाद जब दीदी के पास जब हम लोग जाते हैं सर, उनसे मिलते हैं, उनसे इतना घुल मिल जाते हैं कि उनको लगता है कि मेरा कोई है, मेरा कोई अपना है जो कि मेरे पास आया है, अगर हम इस बात को आज नहीं बताते हैं तो हो सकता है कल जाकर समस्या होगा मेरे साथ या मेरे ऊपर। ये समूह की महिलाएं गांव में रैली निकालकर हस्ताक्षर अभियान चलाकर जागरूकता फैलाती हैं।
इतना ही नहीं, यदि किसी को डायन कहकर प्रताड़ित किया जाता है तो उसके विरुद्ध सामूहिक जुलूस भी निकालती हैं, गांव वालों को समझाती हैं और फिर पीड़िता को सम्मानित कर तथा उनकी मदद कर उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से उबरने में उनकी सहायता करती हैं। सोच में भी बदलाव आया है और जैसे कि ये डायन कुप्रथा को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं तो दीदी लोग भी जान गई है कि अभी हम लोग इस तरह का बोलेंगे तो हम लोग का आगे तक कार्रवाई हो जाएगा, इसलिए दीदी लोग को अब उतना नहीं बोलते हैं। समूह की महिला बताती हैं कि ऐसी कुप्रथा की जड़ में संपत्ति विवाद होता है। इसके शिकार ज्यादातर वही महिला होती हैं जो अकेले होती हैं और उनके परिवार में कोई नहीं होता। हाँ, घर से भागते रहे छोटे छुआ में तो भाग भाग कहते रहे तो मैं काले भागूं, मैं तो छुआ में के पलादारी करी, मैं भागू हंस गई के तोहे वाला में गोल झगड़ा लिखनी डाइन को बैस के रह गया कहके कहे तो मैं कहलो कि ठीक है हमें डाइन हंस कर निशाना बतावा, डाइन हो तो मैं निशाना बतावा कातिर में डाइन हंस के कही के तोहे बटे गोल झगड़ा तो मर छुआ मन छोट छोट अहें से रहें से खान एखन तक मैं बाढ़ लें सो मैं बात है हो जाते डेढ़ दू साल से खान ले तो अब तो है महिला मन होला का डरामा मन लगाए गाँव में जाए नहीं तो कहें हल भाई बेटा से है दूसरा से तो नहीं तो मन पाँच जन है और मैं तो अकेला हूँ से मैं इतना में कह रहे हैं कहो तो वह चार का घर ले गूँ मुके निशाना नहीं बता बजाइन कर तो से ले एखन तो नहीं कहें ना चुपचाप आए तो मैं नहीं टोकात रहा इसलिए कि छुआ हमारे मन छोट छोट रहे और मैं अकेला रहूँ मारपीट करते हैं तो मैं छुआ हमके के देखता मैंने घर से भगाए कर कोशिश रहे नहीं। हाँ, घर से भगाए कर कोशिश कैसे भगाए थी कि डायन के हाँ वह कह के कहते रहे खान तो नहीं कहें। डायन जैसी कुप्रथा के खिलाफ झारखंड में महिलाओं ने कमर कस ली है, वो हर माध्यम से इसे खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ की कुछ महिलाएं इसके लिए गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक भी आयोजित करती हैं और इसके माध्यम से डायन प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाती हैं। I got it.
JSLPS झारखंड में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। लोगों ने इस प्रथा के नाश के लिए कमर कस ली है। आशा है कि जैसे जैसे समूल क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार तथा सामाजिक जागरूकता आएगी, लोग इस अंधकार से बाहर आ जाएंगे। देखा ना किसान भाई बहनों, जहां विज्ञान आज इतना आगे बढ़ रहा है, हम क्यों अशिक्षा के कारण पीछे रह जा रहे हैं? हम तो यही कहेंगे, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, शिक्षा सबसे बड़ा होता है। तो शिक्षित बनिए और इस तरह की कुरीतियों से दूर रहिए। आज के अंक में इतना ही, फिर से बातें करेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।